हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। अभी आप लोगों को गूजबम्स नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन जस्ट मिन्नल मुरली अभी मैंने मूवी देख के खत्म की है। ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेंगी, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु और ओरिजिनल मलयालम लैंग्वेज में और इंग्लिश में भी अवेलेबल है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 2 आवर 39 मिनट की है और इसमें हमें नजर आते हैं टोविनो थॉमस और गुरु सोमनाथ मेन लीड में। कि इस मूवी का प्लॉट सिंपल से है कि जेसन यानी कि टोविनो थॉमस अपने विलेज में रहते हैं, लेकिन वो इस विलेज से बाहर यानी कि अमेरिका, सीधा अमेरिका ना जाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका जाने के बाद उनको ऐसा रहता है कि वो अच्छे खासे पैसे कमाएंगे और फिर वापस आके वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे। लेकिन ऐसे में कहानी में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसके बाद जेसन बन जाता है मिन्नल मुरली। तो वो मिन्नल मुरली कैसे बनता है, फिर क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर मूवी। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि एक सुपर हीरो की मूवी, एक देसी सुपर हीरो की मूवी बनाने के लिए आपको 150, 200, 300 करोड़ का बजट नहीं चाहिए, एक अच्छी खासी स्क्रिप्ट चाहिए, एक जबरदस्त डायरेक्टर चाहिए, अच्छे एक्टर्स चाहिए, कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से लिखना चाहिए और एक परफेक्ट टीम चाहिए। तो आपके सामने रेडी हो जाती है एक अच्छी खासी मूवी और वही मूवी है मिन्नल मुरली। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करो तो देखो दो मेन कैरेक्टर है, एक तो है जेसन और दूसरा सिबू। दोनों ही कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से लिखा है, छोटी सी छोटी डिटेल हमें इन दोनों कैरेक्टर्स की इस पर्टिकुलर मूवी में देखने को मिलती है। उससे फायदा ये होता है कि हम कहीं ना कहीं उनके इमोशन से, उनके साथ जो जो चीज़ें हो रही है, उनकी सिचुएशन से हम लोग पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए। तो उसके बाद हम खुद डिसाइड ना करें कि यार हमको, मतलब अब ये स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन बस जो कैरेक्टर्स को जिस तरह से लिखा है ना, वो इतना अच्छा है कि वो किसी साउथ मूवी में ही हो सकता है। हालांकि हमने सुपर हीरोज की बहुत मूवीज देखी है, जैसे कि रावण हो या क्रिश हो या उससे पहले ड्रोना एंड अजूबा एंड ऑल, बहुत सारी मूवीज बनी है, लेकिन कोई भी मूवी इस पर्टिकुलर मूवी के लेवल की नहीं, क्योंकि ये ऑफिशियली मैं तो बोलूंगा फर्स्ट सुपर हीरो की मूवी हमारे इंडिया में बनी है। हालांकि इससे पहले क्रिश थे, लेकिन जब ये मूवी देखोगे तो आप खुद बोलोगे, यकीन मानो, क्योंकि मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, ये एक्चुअली मूवी है यार। इस मूवी में हर एक चीज़ है, इतनी अच्छी तरह से लिखा है, मैं तो बिलीव नहीं कर रहा हूँ। और पूरे 2.5 घंटे के दौरान एक सेकंड के लिए मैं जगह से हिल नहीं पाया। मूवी की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी, जो अमाउंट ऑफ VFX आप इस मूवी में देखोगे ना भाई, हॉलीवुड लेवल के, जो बेस्ट इंसान उसी से कंपेयर करता, तो आज की तक में हॉलीवुड को टक्कर लगा कोई मूवी का VFX दे सकता है किसी सुपर हीरो मूवी का, तो मिन्नल मुरली बहुत अच्छी कोशिश की यार, मज़ा आ गया। BGM आउटस्टैंडिंग है, वो जो सीन थे वो एक अंदर से एज ऑफ द सीट और एक थ्रिल लेके आ रहा था ना इसका BGM, तो स्पेशली एंडिंग में जो BGM थे उसमें जो वॉइस ओवर था, मैं तो इस मूवी को हिंदी में देखा हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में देखना, सच बता रहा हूँ। अगर आप स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन के बहुत फैन हो तो आज के बाद आप मिन्नल मुरली के फैन हो जाओगे। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो टोविनो थॉमस, वाह यार, मतलब अपने किरदार में इतना घुस जाना, इतना डेडिकेशन, और कौन बोल सकता है टोविनो थॉमस एक सुपर हीरो का रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ एफर्ट्स ही हैज मेड इन दिस मूवी ना यार, लाजवाब है। लेकिन अगर मैं दूसरे एक्टर गुरु सोमनाथ, जिसने अब सिब्बू का रोल प्ले किया, अगर उसका नाम नहीं लूंगा तो ये बहुत ही बड़ी बेईमानी होगी। वाह यार, उस बंदे ने क्या परफॉर्मेंस किया, मैंने उनकी कोई भी मूवी नहीं देखा यार, पता नहीं, मैंने अगर मलयालम मूवीज में उनको देखा भी होगा तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस हिम। और क्या परफॉर्मेंस किया सिब्बू ने यार, बताए सिब्बू के कैरेक्टर में जो लेयर्स थे, जो बदलाव थे, उस बदलाव को गुरु सोमनाथ सर ने, मतलब यार इतना, तो टोविनो थॉमस का रोल भी इतना मतलब चैलेंजिंग था जितना इनका था, और इसके लिए भाई गुरु के लिए भी अपने दिल में इज्जत बढ़ गई। और आप सभी लोगों को इतना गुरु सोमनाथ सर का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगेगा। मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन बहुत अच्छा लगा और राइटिंग बहुत अच्छी की गई है, मतलब ये एक ग्राउंडेड मूवी लगती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हुई वहाँ से डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा खासा स्कोप है इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइज को आगे बढ़ाने का, और अभी तक लगता है मैं उसके हैंगओवर से निकला नहीं भाई इस पर्टिकुलर मूवी के, तो ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, अगर मूवी की नेगेटिविटी की बात करो जो कि बतानी पड़ती है, तो नेगेटिविटी ये है कि मूवी को स्ट्रेच किया है, मतलब ये मूवी हार्डली मेरे ख्याल से 2 घंटे 15 मिनट ये मूवी की इजीली एडिट किया जा सकते थे, लेकिन फिर भी साउथ की मूवी तो थोड़ी बड़ी ही बनती है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्ट्रेच नहीं करता तो ये मूवी बहुत ही परफेक्ट होती, तो इस वजह से मैं 0.5 मार्क्स कटूंगा, 9.5 दूंगा मैं आउट ऑफ 10। और पेरेंटल गाइडेंस में इतना ही बोलूंगा कि यस, बच्चों के साथ जाके देखना, अगर आपके घर में एडल्ट है तो एडल्ट भी देख सकते हो, और एंजॉय करो एक देसी सुपर हीरो और सुपर विलन। तो थैंक यू सो मच मलयालम इंडस्ट्री फॉर
मेकिंग दिस हैपन। यार बहुत सालों से इंतजार था ऐसी कोई मूवी का, और आप सभी लोगों का, जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा यहाँ तक, मुझे बर्दाश्त किया, तो आप लोगों ने अगर मिन्नल मुरली नहीं देखी तो भाई किसका वेट करो, जाओ देखो। और आपको इस पर्टिकुलर मूवी में क्या अच्छा लगा वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देन बाय।